जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जिकड़ी भजनों का ग्राम जलालपुर में, जिसके गायक कलाकार हैं सूरज पाल कल्याणपुर अलीगढ़, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं वो हैं ब्रह्म सिंह तूफानी हजियापुर, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर करता है देशवाल साउंड डीजे सर्विस कथुवर। हाँ तो यहां सबसे पहले मेरे पिता के समान बुजुर्ग विद्वान कमेटी संचालक महोदय और दूर से आए हुए सभी जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को सूरजपाल कल्याणपुर की तरफ से नमामि नमस्कार व राम राम साहब। बहुत ही सुंदर शब्दों में क्या लिखा सुनेंगे कि ये फूस की आग बुझे जल सो और जल माहे लगे तो बुझे कहो कैसे ये छान गिरे ठूनी से डटे तो आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे कि मेरो वियोग प्यास मिटे और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे अरे लिखी लिखाई सब ही मिटे भया कर्म की रेख मिटे कहो कैसे। हाँ जी, जिकड़ी की जो मेन चीज होती है, मेन धरोहर होती है, जो जननी होती है, वो साखी होती है। सुनेंगे साखी। एक स्त्री जिसका पति परदेश में है, वो स्त्री कौन है? ये आत्मा है। और पति कौन है? जो सारे संसार का पति है, वो परमात्मा है। आज अपने सहमेले पर चढ़ करके अपने बालों को अपने केसों को सुखाती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, आस हवा को देख करके वो आत्मा वो सखी क्या बोली? अरे ले बेर ना और गे चली गई है पुर वैया और ये बहना ब्यारी ये तो खबरे और पिया की देखो लाए राही से है बहन भरतारिया की तोरे आत्मा खाए राही वो सुहागिन साखी में धर्म में क्या कहती है? ओ अरे
के शीतल होती मेरी छाती, अरे नए मिली प्रीतम की पाती, बाज के शीतल होती मेरी छाती, अरे मैं तो खरी सुखाऊ केस, अरे मैं तो खरी सुखाऊ केस, महल न चढ़ के बात निहारू, आपने सुनी साखी, अब सुनेंगे मेरा प्रसंग। चक्रव्यूह की लड़ाई में वो वीर बालक अभिमन्यु मारा जाता है। जैसे ही अर्जुन ने सुना कि आज मेरा पुत्र मारा गया, तो किस तरह से वो करुणा करता है, वेदना करता है, सुनेंगे झरने में क्या बताए। अरे अर्जुन और घनश्याम जीत और संग्राम लौट घर आए, जब अभिमन्यु की जाने अभिमन्यु की सुनी तो महारथी घबराए, सुनेंगे उपदेश। तो उपदेश कैसा होना चाहिए, सामाजिक और मार्मिक और धार्मिक, सुनेंगे। अरे माटी को क्या समझो भैया, माटी को क्या समझो भैया, सवरी दुनिया माटी में, अरे माटी को क्या समझो भैया, सवरी दुनिया माटी में, अरे रामचंद्र की सीता प्यारी वो समाई गई, ये रामचंद्र की सीता प्यारी वो समाई गई माटी में, अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी ये गुफा बनाए गए माटी में, जब करी तपस्या दीमक लग गई बनी समाधि, जब करी तपस्या दीमक लग गई बनी समाधि माटी में, मोहन ने ब्रह्मांड दिखायो, मोहन ने ब्रह्मांड दिखायो, जब खेल रचायो माटी में, अरे पांचों पांडव जाने बचाए गए सुरंग बनाए गई, ये पांचों पांडव जाने बचाए गए सुरंग बनाए गई माटी में, अरे माटी से ही जन्म भयो है, माटी से ही जन्म भयो और अंत भयो है माटी में, भाई सूरज पाल सिंह एक दिना सब ही मिल जामे माटी में।
के अर्जुन और घनश्याम, अर्जुन और घनश्याम जीत संग्राम लौट कर आए, सुन अभिमन्यु की महारथी घबराई। ये पुत्र गयो सुरधाम मचो कहो राम कागमल राय, द्रोण गुरु ने कर लिए मन के चाल। हाँ जी, कमेटी का आदेश और 5 मिनट शेष है, सुनेंगे गाना। इससे आगे बच्चू सिंह भरतिया तैयार रहे। एक बार भीम को अभिमान हो जाता है, उधर में उसका अभिमान दूर करने के लिए वो कौन, पवन पुत्र हनुमान जी वृद्ध का रूप धारण करके और अपनी पूंछ को लंबी करके रास्ते में बैठ जाते हैं। वही होकर के भीम आता है, और जैसे भीम ने देखा कि ये बूढ़ा बंदर मेरे रास्ते को रोक करके बैठा है, भीम ने ललकारा, कहा अरे बंदर अपनी पूंछ को हटा ले वरना मेरे पैरों से कुचल जाएगी। जब इतनी बात सुनी हनुमान जी ने, तो हनुमान जी बोले भैया भीम मैं तो बुड्ढा हो चुका हूं लेकिन मेरी पूंछ को तू ही उठा के रख दे। तो क्या कहते हैं सरंग, अरे अजमाले अजमाले रे बलकू और जो मोह पे राखे मूछ और उठाए के धर दे, हो तू उठाए के धर दे भीमा हमारी पूछ। मेरे बलकुना जाने मोल लड़ाई ले रहो है, ओ बंदर बेरन के खवैया उल्टी सीधी कह रहो है, ये रास्ता रोक दियो तन मेरो काहे मूल की दे रहो है, अरे रास्ता रोक दियो तन मेरो काहे मूल की दे रहो है, और राजी तेल पूछ उठा क्यों बीज लार के बह रहे है, जब इतनी बात सुनी हनुमान जी ने भीम की, तो हनुमान जी क्या बोले भैया, भीमा कर ले तू मन मानी है, अरे पूछ उठा के धर दे भीमा कर ले तू मन मानी है, और जो तेन दूध पियो कुंती को कर ले खेचा तानी है, ज्यादा बक बक बोल रहा है बनता तू अभिमानी है, ये ज्यादा बक बक बोल रहा है बनता तू अभिमानी है, तेरी आज ही माल में पर जाएगी देख कौन कितनो पानी है। जब हनुमान जी की इतनी बात सुनी भीम ने, उनकी बातों पर भीम को गुस्सा आता है, चला है पूछ उठाने के लिए, तो कैसे मास्टर जी, अरे हल्की जान के भीम सेन ने एक ही हाथ लगायो है, ये हल्की जान के भीम सेन ने एक ही हाथ लगायो है, लेकिन वापे पूछे हली नाए पूरो जोर लगायो है, अरे लेकिन वापे पूछे हली नाए दूजो हाथ हलायो है, और फिर भी वापे पूछे जिगी नाए पूरो जोर लगायो है, अरे फिर भी वापे पूछे जिगी नाए पूरो जोर लगायो है, अरे दोनों ने ना बंद भये माथे पे पसीना आयो है, यानी भीम हार जाता है। अंत में वो हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं,
और समझाते हैं भीम को। रास्ता है ये स्वर्ग लोक का, कोई ना आगे जाता है। अरे रास्ता है ये स्वर्ग लोक का, कोई ना आगे जाता है। जो बनता मन में अभिमानी चूर चूर हो जाता है। अरे बजरंगी है नाम मेरा, देख अंजनी मेरी माता है। और इतनी सुन के भीमसेन फिर चरणों में गिर जाता है।